व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे जैसे पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो मैं भी सोच रहा था कि अपने अपार्टमेंट का एक टूर बनाते हैं कि यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग हियर, आई मीन स्पेसिफिकली अबाउट द अपार्टमेंट्स एंड व्हाट आर द थिंग्स जो यहाँ पे मैंडेटोरली हर आपको अपार्टमेंट में मिलेगी। इंडिया में रह के लोगों को लगेगा कि इट इज़ अ लग्जरी, बट फॉर पीपल लिविंग ओवर हियर हर नॉर्मल हाउस होल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें, वी फिगर इट आउट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो एज वी एंटर, दिस इज आवर हॉल। यहाँ पे वी हैव नॉट इंस्टॉल्ड एनी सोफा सेट्स, एनी टेलीविजन यूनिट और समथिंग, बिकॉज अभी तो एक महीना भी हुआ है शिफ्ट हुए, और धीरे धीरे फिगर आउट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे जैसे जैसे होगा, अंदर सामान भरते जाएंगे। आ जा अंदर, आ जा पूरा। हाँ, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा मेन लिविंग हॉल। इट्स डिसेंट साइज्ड, मतलब जैसे यहाँ पे तो हमें बहुत ही कम यूज़ पड़ता है। हाँ, यहाँ पे वी हैव केप्ट आवर शू रैक, मतलब शू वगैरह हम चारों रख लेते हैं। दिस इज़ द वाईफाई एंड रिसीवर यूनिट। यहाँ पे जैसे वी हैव इन इंडिया वी हैव अ राउटर, नो यहाँ पे वैसा नहीं होता। देयर इज अ रिसीवर एंड देयर इज अ ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर क्या करता है, घर में ट्रांसमिट कर देता है, और रिसीवर कैचेस द सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट। अब वहाँ से आने के बाद वी हैव दिस एरिया, दिस इज़ द डाइनिंग एरिया दैट वी हैव। यहाँ पे हमने अभी अपना ये रख रखा है डस्टबिन। वी हैव अ बास्केट ओवर देयर जहाँ पे हम पोटैटो और रेड अनियन वगैरह रख लेते हैं, एंड इसमें हम रख लेते हैं आर लेंटल्स एंड आर मसाला एंड ऑल। एंड उसके बाद ये आता है हमारा किचन। सो इन दिस किचन पहले तो ये आ गया आपका डिशवॉशर यूनिट, ये आ गया आपका बारबेक्यू यूनिट, उसके ऊपर आपका स्टोव, उसके ऊपर आपका माइक्रोवेव, एंड दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर। तो दीज आर जस्ट नॉर्मल ड्रॉअर्स जिसमें कि हमने अपने ग्लासेस, अपने बॉक्सेस वगैरह ये सब रखा हुआ है, और दिस इज़ बेसिक कैबिनेट्स एज वी हैव इन द किचन। तो यहाँ पे हमने अपने सामान रख रखे हैं, थोड़े थोड़े ये खाली है अलग ही। इसमें ये स्पून एंड फोक, इसमें मिक्सर ग्राइंडर, इसमें वी हैव आर बेसिक किचन एक्सेसरीज, सम यूटेंसिल्स, सम मसाला एंड सम सीजनिंग एंड ऑल, ये चीज़ें हैं। दिस इज़ द डिश वॉशर। जब मैं आया था पहली बार तो आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि हाउ दिस वर्क्स, बट लेकिन अब हम इसे रात में लगा देते हैं तो इट वॉशेज ऑल द यूटेंसिल्स, और सुबह में फिर हम इसे वापस से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बारबेक्यू। इसमें हमें बारबेक्यू वगैरह करने का भी कभी मौका ही नहीं मिला, करेंगे कभी फिगर आउट। और दिस इज़ द स्टोव। स्टोव इंडिया वाले की तरह नहीं होता कि एज इन फायर आएगा। जब आप इसको यहाँ से ओपन कर दोगे तो इट स्टार्ट्स टू गेट हीटेड अप एंड देन आप खाना पका सकते हो। अभी गर्म होने लगा है, ये पूरा रेड हो जाता है। उसके बाद वी हैव दिस इज़ द माइक्रोवेव यूनिट। वी यूज़ इट क्वाइट ऑफन, और इसमें हर चीज़ दे रखी है, जैसे पॉपकॉर्न बेवरेजेस, पोटैटो रीहीट, डीफ्रॉस्ट, टू सेट योर कुक टाइम, टाइमर ऑन ऑफ, टर्न टेबल एज इन द टेबल दैट टर्न्स इनसाइड। वी हैव द सर्फेस लाइट फॉर दिस, वेंट फैन इन केस यू वॉन्ट टू टर्न ऑन द चिमनी। सो बंद कर देते हैं, आवाज़ कर रहा है ज़्यादा। तो यही चीज़ें हैं। ऑल इन ऑल द थिंग इज़ दैट दिस, द चिमनी एंड द स्टोव आर इंटरकनेक्टेड एंड यू कैन कंट्रोल दीज थिंग्स फ्रॉम हियर एज वेल। अरे यार, उसके बाद वी हैव दिस, दीज आर फ्यू मोर कैबिनेट जिसमें कि हमने अपना पर्सनल सामान भी रख रखा है। इसमें वी हैव द मसाला, वी हैव इंस्टॉल्ड दिस वाटर फिल्टर। ये क्या है, यहाँ पे पानी काफ़ी हार्ड है, तो हमने इसे अमेजोन में ले लिया था। $25 का था ना, $25 का ये हमने ले लिया था, तो इट वर्क्स गुड इनफ, नॉट इक्वली वेल एज एन आर ओ, बट या ठीक है, ठीक ठाक काम हो जाता है। दिस इज़ आर रेफ्रिजरेटर, इसमें हमने सब कुछ रख रखा है, दूध वगैरह और अपना वेजीज, और ये हम स्टोर कर लेते हैं जो बच जाता है। बाय द वे, यहाँ पे मिल्क ऐसे ही आता है, मैंने एक वीडियो में और शूट करूँगा उसको, जो जिसमें कि हम शॉपिंग करने जाएंगे वेजिटेबल, उसमें आपको दिखाऊँगा। तो ये एक गैलन ऑफ मिल्क आता है, $2.22 का आता है, और ये लगभग 3.78 liters इसमें होते हैं, तो ये काम कर देता है 10 दिन डिपेंड्स ऑन द यूसेज। ये हो गया आपका नीचे का डोर,
ये है ऊपर, तो इसमें वी डोंट हैव मच स्टफ, सम स्वीट कॉर्न, सम फ्रोजन पी, सम बटर, एंड दिस इज बेसिक आइस। चलते हैं मेन एरिया बालकनी की तरफ। अच्छा हाँ, ये भी बता दूँ, ये होता है यहाँ पे इसको ऐसे कंट्रोल करने के लिए, तो आप इससे कितना आपको इसका बाहर से लाइट चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बंद कर दिया मैंने, ये मैंने रोटेट किया तो खुल गया, उसके बाद इसको ऐसे स्लाइड कर देंगे तो दिस ओपन्स अप। हाँ, फिर ओपनिंग दिस अप, वी हैव दिस बालकनी फॉर आवरसेल्व्स। हमने ये लगा लिया बिकॉज अब हम डेली नहाते थे तो हमें ड्राई करने में प्रॉब्लम होती थी, तो ये ठीक है बेसिक। ये हमारा बालकनी का व्यू है, अक्सर हम यहाँ पे आते हैं, बैठते बैठते हैं, या फिर बैठते नहीं भी हैं तो खड़े रहते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ से गाड़ी वगैरह जाती है, यहाँ पे एयरपोर्ट है तो प्लेन लैंड करती है, और उधर कहीं ए माउंटेन है, ए माउंटेन का भी ब्लॉग जल्दी बनाऊँगा, तो सनसेट वगैरह बहुत सुंदर दिखता है। ये हमारा स्टोर रूम है जो इन्होंने दे रखा है। स्टोर रूम में वी हैव जस्ट केप्ट ऑल द बॉक्सेस ऑफ द स्टफ दैट वी बॉट। अभी जब हम मूव आउट करेंगे तो वी नीड ऑल ऑफ दीज, तो वी हैव केप्ट देम सेफली। इट्स अ डिसेंट साइज्ड स्टोर रूम एंड आई फील दैट इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू हैव इट इन अ हाउस, बिकॉज नहीं होता है तो दिक्कत होती है, फिर वो डब्बे उब्बे फेंक आ जाते हैं, तो इट्स बेटर टू हैव देम। हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टूवर्ड्स आर टू बेडरूम्स। सो फर्स्ट वन, दिस इज़ अ स्मॉल कैबिनेट दैट दे हैव गिवन। इसमें खुल जा भाई, इसमें वी हैव केप्ट आर वैक्यूम क्लीनर, वी हैव केप्ट आर ब्रूम, वी हैव केप्ट आर रूम फ्रेशनर्स, सम टिश्यू पेपर्स, सम बाथरूम टॉवल्स एंड सम ऑयल एंड स्टफ, एंड दिस इज़ द बाथ टिश्यू, आई हैव माई वोट्स हियर। सो दिस इज़ अ डिसेंट साइज स्टोर कैबिनेट दैट दे हैव गिवन फॉर योर रेगुलर डेली यूसेज आइटम्स। अच्छा हाँ, दिस इज़ द एसी यूनिट, it is centrally air conditioned, so you can control all the temperatures and all from here. जैसे अभी मैंने इसको 72 पे सेट कर दिया, इसके पहले ये 73-74, so depending upon the temperature that we need, we generally set it, and I have entered the bathroom and the small bedroom's bathroom, not the small, the second bedroom's bathroom. So this is your bathtub. This is your bombing area. These are two baskets. One is for basic clothes and all, and this one is just a dustbin kind of thing. So this is your basin. ये सब मैं क्या बता रहा हूँ ये तो देख ही सकते हो आप। ये आपका एक यूनिट हो गया, मैं खोलना तो नहीं चाहिए, पूर्व का है लेकिन खोल दिया। और फिर यहाँ पर भी एक यूनिट दे रखा है इन्होंने, इसमें आप चाहो तो रख सकते हो। तो ये वाला बाथरूम थोड़ा सा उस वाले से छोटा है, बट इट्स गुड एनाफ। सो दिस इज़ द सेकेंड रूम दैट वी हैव। यहाँ पे अंकित और अपूर रहते हैं। अभी हमने वो नहीं लिया, बेड फ्रेम नहीं लिया, तो अभी तो नीचे ही बिछा के हमें काम चलाना पड़ता है, बट इट इज़ अ गुड वन। हमने दो लाइट इन्होंने भी इंस्टॉल कर रखी है। ये एक मैट्रेस हो गया, ये एक मैट्रेस हो गया, टेबल चेयर। वैसे हमने ये चेयर लाया था सरप्लस स्टोर से, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे कहीं लिंक कर दूंगा, बी श्योर टू वॉच इट। एंड दीज आर द टू कैबिनेट्स। आ जाओ भाई, आ रहे हो, भाग कहाँ रहे हो, आ जाओ। दीज आर टू कैबिनेट्स, मेन कैबिनेट्स, इसमें ये वाला अपूर्व का है और ये वाला अंकित का है। तो दिस इज़ अ डिसेंट साइज्ड रूम, यहाँ से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी जैसे मान लो आपको ब्लाइंड्स कंट्रोल करने हैं, बाहर से धूप चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो ये आप ऊपर कर सकते हो, ये ब्लाइंड भी ऊपर नीचे पूरा चला जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। नाउ कम्स द मास्टर बेडरूम। इसमें ये वाला मेरा है, ये वाला रोशन का है, ये वाला मतलब मेरा वर्क टेबल कह लो, ये जो भी कहना है आपको कह लो। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टफ रख रखे हैं, मेरा लैपटॉप, कॉपी, ये मैंने एक्सटेंशन बोर्ड इंडिया से लाया था, तो ये काफ़ी हैंडी है, काफ़ी मतलब काम आ जाता है। स्पीकर, वायरलेस चार्जर, पुराना वाला फ़ोन भी है। एंड इसमें हमने रख रखा है कुछ डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट, ये वाला तो यूज़ नहीं होता। और ये भी एक यूनिट है, स्टोरेज यूनिट है। तो सिमिलरली वी हैव दिस, द ब्लाइंड्स ओवर हियर इन दिस रूम एज वेल, एंड ये रोशन का एरिया है, तो आई विल नॉट इंटरफेयर इनटू हिज प्राइवेसी। ये इसने खोल दिया, मैंने बंद किया था। और वो वाला मेरा कैबिनेट, कैबिनेट इज़ ऑफ डिसेंट साइज, मैं दिखा देता हूँ। इसमें हमने नीचे रख रखा है अपनी ट्रॉलीज, इसमें ऊपर हमने रख रखा है अपना बेसिक यूटिलिटी एंड स्टफ,
ऊपर मैंने अभी कुछ रखा नहीं, वो एक योगा मैट मैंने रखा है और तो कुछ है नहीं। दिस वॉशरूम, वॉशरूम में इट इज़ ऑल्सो अ डिसेंट साइज, नॉट डिसेंट साइज, इट्स गुड एनफ। इसकी विड्थ थोड़ा ज़्यादा है उस वाले से। तो यहाँ पे ये रग वगैरह हमने ले रखा है क्योंकि आप जब नहा लेते हो तो टू ड्राई योर सेल्फ आपको चाहिए होता है कुछ, वरना पानी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ दे नहीं रखा है एज वी हैव इन इंडिया। तो ये हमने लिया, वी हैव दिस बिन, वी हैव दिस शार कर्टन कि आप जब नहा रहे हो तो आपका ये बाहर ना आए, और ये आपका बॉम्बिंग एरिया, टिशू पेपर्स, योर बेसिन एंड स्टफ, बेसिक यूटिलिटी, ये आपका हो गया एक स्टोरेज यूनिट, ये हो गया रूम फ्रेशनर। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो दैट आई वांटेड टू शूट, नॉट अ शॉर्ट वन बट 10-12 मिनट का हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं अपना अपार्टमेंट दिखा दिया, इफ यू हैव नोटिस्ड एनीथिंग जो मैंने डिस्कस नहीं किया तो बी श्योर टू कमेंट, मैं उसको बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कि क्या कैसे यूज होता है, क्या अगर कुछ स्पेशल होगा तो। एनीवेज दिस वाज द वीडियो दैट आई वांटेड टू मेक एंड आई होप यू लाइक्ड इट, टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अभी हमें मंदिर जाना और 9:15 हो गया है, 9 बजे निकलना था, तो अभी हम फटाफट से वहां निकलते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय।